प्रिय छात्रों परफेक्शन आई क्लास में आपका स्वागत है मैं आलोक कुमार आज आपसे असहयोग आंदोलन के बारे में चर्चा करूंगा असहयोग आंदोलन के बारे में आपसे बातें करूंगा जैसा कि आप जानते ही हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में और आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में असहयोग आंदोलन का अपना एक विशिष्ट स्थान रहा है और प्रतियोगी परीक्षाओं में खासकर के प्रारंभिक परीक्षाओं में और सामान्य अध्ययन के पेपर में असहयोग आंदोलन पर कई एक सवाल पूछे जाते रहे हैं इसलिए ये अध्याय जो है यह असहयोग आंदोलन का जो चैप्टर है ये आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि आप जानते ही हैं कि असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में पहला बड़ा आंदोलन था और इसने भारतीय राजनीति को एक नई दिशा दी है इस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे में बदलाव किया इसने कांग्रेस पार्टी के पूरे के पूरे, पूरे संगठन को कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों को कांग्रेस पार्टी के नीतियों को और कांग्रेस पार्टी के लड़ने के तरीके को बदल दिया साथ ही इसने अंग्रेजी सरकार के चेहरे को भी बेनकाब करने का काम किया बेनकाब करने का काम किया है और साथ ही इसने भारतीय राजनीति में गांधी युग की शुरुआत की है जैसा कि हमने आपको बताया कि यह आंदोलन जो है यह गांधी जी के नेतृत्व में पहला बड़ा आंदोलन है पहला बड़ा आंदोलन कहने का यहाँ आशय यह है कि जितनी बड़ी जन सहभागिता इस आंदोलन में देखी गई इससे पहले के किसी भी आंदोलन में इतनी बड़ी जन भागीदारी नहीं देखी गई है तो इस तरह से ये भारत के आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में ये है ना पहला बड़ा आंदोलन था दूसरी बात हमने बताई आपको कि इस आंदोलन ने कांग्रेस के चाल चेहरा और चरित्र में बदलाव किया है कांग्रेस के चाल चेहरा और चरित्र में बदलाव का आशय यह है, है कि आपने देखा कि अब तक कांग्रेस पार्टी पर यह आरोप लगता आया था कि कांग्रेस पार्टी जो है मुट्ठी भर लोगों का प्रतिनिधित्व करती है केवल पढ़े लिखे लोग ही कांग्रेस पार्टी में हिस्सेदारी करते हैं और कांग्रेस पार्टी का प्रभाव जो है वो महानगरों तक ही सीमित है लेकिन इस आंदोलन ने कांग्रेस पार्टी को जन आधारित पार्टी बना दिया आप जब आगे पढ़ेंगे जब इसके बारे में आप जानेंगे तो आप पता चलेगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सदस्यता जो थी लगभग पचास लाख तक पहुँची थी इसके साथ ही कांग्रेस के संगठन में बड़े बदलाव किए गए थे और कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था कांग्रेस पार्टी का लक्ष्य जो था इससे पहले कांग्रेस पार्टी वैधानिक और संवैधानिक तरीके से स्वशासन की बात करती थी लेकिन अब कांग्रेस पार्टी का जो उद्देश्य था कांग्रेस पार्टी का जो लक्ष्य था वो बदल गया था और कांग्रेस पार्टी ने ये घोषित किया कि अब उसका लक्ष्य जो है उचित तरीके से अहिंसक तरीके से स्वराज्य की प्राप्ति है और तीसरी बात जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किस आंदोलन ने भारत में गांधी युग की शुरुआत की है कहने का मतलब है कि उन्नीस से उन्नीस तक का जो काल है उसको कांग्रेस के इतिहास में गांधी युग का नाम दिया गया है गांधी युग कहने का आशय ये है कि अब से मतलब 20 से सैंतालीस तक भारत की राजनीति में गांधी जो हैं केंद्रीय तत्व हैं और उन्हीं के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और हमने आज़ादी को पाया है तो इस तरह से असहयोग आंदोलन जो है भारत के इतिहास का पहला बड़ा आंदोलन है इसने कांग्रेस के चाल चेहरा और चरित्र में बदलाव किया और इस आंदोलन के द्वारा भारत में गांधी युग की शुरुआत होती है साथ ही इस आंदोलन ने अंग्रेजी सरकार के चरित्र को भी बेनकाब करने का काम किया अब तक है ना भारतीयों में ये भरोसा था भारतीयों को ये विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार जो है एक न्यायप्रिय सरकार है एक निष्पक्ष सरकार है और वो भारतीयों के साथ सॉरी और वो भारतीयों के साथ न्याय करेगी लेकिन अंग्रेजों के अंग्रेजों के बारे में जो ये भरोसा था ये भरोसा भारतीयों का टूट गया इस आंदोलन के बाद आइए अब सबसे पहले असहयोग आंदोलन के नामकरण की चर्चा कर ली जाए कि आखिर इसका ये नाम जो है ये कैसे आया है 1919 में महात्मा गांधी सॉरी 1909 में महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी हिंदू स्वराज्य इसी किताब में महात्मा गांधी ने असहयोग के विचार को लोगों को समझाने का प्रयास किया है गांधी जी का गांधी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की अंग्रेजी सरकार जो है हम भारतीयों के सहयोग से चलती है अगर हम भारतीय अंग्रेजी सरकार को सहयोग देना बंद कर दें तो अंग्रेजी सरकार का चलना मुश्किल हो जाएगा तो गांधी ने भारत के लोगों से है ना अंग्रेजी सरकार के साथ पूर्णतः असहयोग करने की बात कही गांधी ने कहा कि अंग्रेज़ों की राजनीतिक संस्थाओं का बहिष्कार करना है इनके आर्थिक संस्थाओं का बहिष्कार करना है और इनके सामाजिक संस्थाओं का भी बहिष्कार करना है क्योंकि ये सरकार जो है जब तक इस सरकार पर दबाव आप नहीं बनाएंगे तब तक ये सरकार जो है आपकी बातों को सुने सुनेगी नहीं और अब तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है मतलब उन्नीस से लेकर उन्नीस तक का जो कांग्रेस का इतिहास रहा है तो कांग्रेस पार्टी है ना लगातार अपने तरीके से संघर्ष भी कर रही थी लेकिन कांग्रेस पार्टी को जितनी सफलताएं मिलनी चाहिए थी उतनी सफलता नहीं मिल पाई है तो इसीलिए गांधी जी ने है ना लड़ने का संघर्ष करने का एक नया तरीका इजाद किया गांधी जी ने इस आंदोलन में भारत की जनता के सामने सत्याग्रह है ना अहिंसा और असहयोग है ना ये तीन हथियार भारतीय जनता को गांधी जी के द्वारा बताया गया भारतीय जनता को बताया गया कि अगर आप सत्याग्रह का रास्ता अपनाएंगे अगर आप अहिंसक अहिंसा के रास्ते पर चलेंगे और असहयोग अगर आप करेंगे तो अंग्रेजी सरकार जो है आपकी मांगों को सुनने के लिए बाध्य होगी विवश होगी और आपको जो आज़ादी है वो आज़ादी आपको मिलेगी तो इस तरह आपने समझा कि ये क्यों इसको पहला बड़ा आंदोलन कहा गया है दूसरी बात यह है कि कांग्रेस के चाल चरित्र चेहरे में बदलाव कैसे आया और फिर गांधी जुग की शुरुआत भी हुई है प्रथम युद्ध के कारणों को जानने के लिए हमको हमको इतिहास में बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है प्रथम विश्वुद्ध उन्नीस से 18 के बीच लड़ा गया है और 14 से 18 के बीच और 18 और 14 से 18 और 19 के बीच की जो घटनाएं हैं अगर उन घटनाओं का सही तरीके से हम विश्लेषण करें और इन वर्षों में सरकार की जो नीतियां रही है है ना उसका भी अगर अध्ययन किया जाए तो आपको असहयोग आंदोलन के कारण जो हैं वो अस्पष्ट होते चले जाएंगे अब हम एक एक करके 1914 से 18 के बीच की घटनाएं, 1914 से 1919 के बीच की घटनाओं का अगर हम विश्लेषण करें तो असहयोग आंदोलन के कारण को समझने में बड़ी सुविधा हमको हो जाएगी तो असहयोग आंदोलन का जो मुख्य कारण है इसमें सबसे पहले हमको प्रथम युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव ये सबसे पहला कारण है प्रथम युद्ध उन्नीस से उन्नीस के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में भारतीयों ने अंग्रेजी सरकार की तन धन से सहायता की थी अंग्रेजी सरकार का ये दावा था कि युद्ध जो है दुनिया में लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा लड़ा जा रहा है और मित्र राष्ट्रों ने जब इनको उपनिवेशों की जनता से सहयोग और समर्थन चाहिए था तो इन्होंने कहा था कि उपनिवेशों की जनता को भी आत्मनिर्णय का अधिकार दिया जाएगा तो इस तरह से इस युद्ध में चूंकि भारतीयों ने तनमन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी तो भारतीयों की अपेक्षाएँ युद्ध से काफ़ी बढ़ी हुई थी जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रवाद जो है वो सॉरी युद्ध जो है वो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देता है और भारत में भी राष्ट्रवाद की भावनाएं जो थी वो बढ़ रही थी इसके कुछ ठोस कारण भी थे पहली बात तो ये है कि प्रथम इस युद्ध में दस लाख भारतीय जो थे उन्होंने युद्ध में सैनिक के रूप में अपने युद्ध कौशल का परिचय दिया था अपने शौर्य का परिचय दिया था भारत की जनता ने करोड़ों रुपया अंग्रेजी सरकार को युद्ध सहायता कोष में दान भी दिया था और भारतीय जनता की अपेक्षाएं बढ़ी हुई थी भारतीय जनता ये उम्मीद कर रही थी कि उनके द्वारा अंग्रेजी सरकार को जो सहयोग किया जा रहा है उस सहजा उस सहयोग के बदले अंग्रेजी सरकार जो है उनकी मांगों पर ध्यान देगी और भारत में भी युद्ध के बाद लोकतंत्र की बहाली होगी राष्ट्रवाद के बढ़ने के कई कारण थे पहले पहली, पहली बात तो यह है कि युद्ध की तैयारियों के कारण लोगों में जागृति आई थी लोग अब राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को जानना चाहते थे लोग रूबरू हो रहे थे उन घटनाओं में उन घटनाओं में रुचि दिखला रहे थे आ, और साथ ही भारत के सिपाही जो विदेशों में लड़ने गए तो विदेशों में वहाँ के लोगों की स्वतंत्रता को स्वतंत्रता को देखा था वहाँ के लोगों की स्थितियों से वो अवगत हुए थे और उनके मन में भी ये चाहत थी कि उनके देश में भी आज़ादी की बहाली होनी चाहिए तो इस तरह से प्रथम विशुद्ध ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाया था और लोगों की अपेक्षाएँ जो थी वो बढ़ी थी। इसके साथ ही युद्ध का एक और भी पक्ष था वह पक्ष यह है कि युद्ध के कारण भारत की जनता की आर्थिक परेशानियां काफ़ी बढ़ी हुई थी महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई थी आवश्यकता की चीज़ों के दाम जो थे अपने चरम पर थे मुद्रास्फीति की दर बढ़ी हुई थी आ, इस, इसके अलावा अनाज की कमी भी अपने देश में थी जिसका मुख्य कारण ये था कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा बड़े पैमाने पर अनाज का निर्यात पश्चिमी देशों को किया जा रहा था तो ऐसी परिस्थिति में शहरों में रहने वाला निम्न मध्यम वर्ग मध्यम वर्ग और गाँव में रहने वाला किसान मजदूर के सब आर्थिक संकट में पड़े हुए थे अंग्रेजी सरकार ने युद्ध के खर्च को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पर आ, करों का दर बढ़ा दिया था कुछ नए करों को आरोपित भी किया गया था इससे भारत की जनता की परेशानियां बढ़ी हुई थी साथ ही 1917 में भारत के एक बड़े हिस्से में सूखे जैसी स्थिति थी आ, अकाल पड़ा हुआ था और इसके चलते भी बड़ी संख्या में लोग जो थे वो मारे जा रहे थे आ, लोगों की बड़ी संख्या में मौतें हुई थी और इसके बाद आ, अकाल के बाद फिर भारत में इन्फ्लुएंजा uh, और प्लेग जैसी महामारी uh, काफी प्रकोप हुआ जिसके चलते भारत की जनता काफ़ी परेशान थी uh, जनता इस संकट के समय में अंग्रेजी सरकार से मदद चाहती थी उनकी अपेक्षा थी कि सरकार जो है उनके राहत और बचाव के लिए कुछ करेगी लेकिन सरकार के द्वारा uh, कुछ खास नहीं किया गया इससे जनता जो थी अंग्रेजी सरकार से काफ़ी नाराज थी काफ़ी नारुष्ट थी और जनता uh, इस तरह की व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहती थी मुक्ति पाना चाहती थी और जनता किसी ऐसे नेता की तलाश में थी जो नेता आए उसका नेतृत्व करे और उसको इस समस्या से मुक्ति दिलाए साथ ही युद्ध के वर्षों में जबरन भर्ती इसके अलावा युद्ध के पूरे काल में एक तरफ तो भारतीयों से सहयोग लिया जा रहा था भारतीय सहयोग दे भी रहे थे लेकिन अंग्रेजी सरकार का रवैया जो था वो काफ़ी दमनकारी था प्रेस एक्ट और राजद्रोहात्मक सभा कानून के आधार पर भारतीय जनता के राजनीतिक अधिकारों को छीन लिया गया था तो इस तरह प्रथम विश्व युद्ध जो है वो भारत के जनता पर दो दोहरा प्रभाव डाल रहा था एक तरफ तो भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ा रहा था दूसरी ओर जनता की जो परेशानियां बढ़ी हुई थी तो जनता जो है इस व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहती थी इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव है ये असहयोग आंदोलन का एक कारण माना जा सकता है आ, दूसरा जो कारण है वो है रॉलेट एक्ट ये रॉलेट एक्ट जो है इसके बारे में जाने कि ये एक इंग्लैंड के एक जज हैं जिनका नाम है सर सिडनी रॉलेट तो भारत की सरकार ने दिसंबर 1917 में एक कमिटी का गठन किया और चूंकि इस कमिटी की अध्यक्षता सर सिडनी रॉलेट कर रहे थे इसलिए इस कमिटी को रॉलेट कमिटी का नाम दिया गया इस कमिटी को जो कार्य सौंपा गया था वह कार्य ये था कि ये कमिटी जो है भारत में जो क्रांति क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं भारत में जो क्रांतिकारी षडयंत्र हैं उनका पता किया जाए उसके निजात के लिए है ना एक कानून का प्रारूप तैयार करना यही इस कमिटी की जिम्मेवारी थी इसी इन्हीं उद्देश्यों से इस कमिटी को नियुक्त किया गया था और रॉलेट एक्ट और ये जो कमिटी है तो भारतीय जनता कि मुख्य शिकायत ये थी भारतीय जनता का कहना ये था एक तरफ तो प्रथम विशुद्ध के बाद भारतीय जनता जो थी सरकार से कुछ ज़्यादा ही अपेक्षाएँ कर रही थी उनको लग रहा था कि सरकार जो है उनके प्रति उदारवादी रुख अपनाएगी यद्यपि भारत सरकार ने भारत रक्षा कानून के नाम पर भारत की जन युद्ध के वर्षों में भारत की जनता के राजनीतिक अधिकारों को राजनीतिक अधिकारों में कटौती की थी नागरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया था लेकिन ये कानून जो था जिसको भारत रक्षा अच्छा कानून का नाम दिया गया है ये प्रथम विश्व युद्ध तक ही जारी रहता इसीलिए अंग्रेजी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से दिसंबर 1917 में इस कमेटी का गठन किया चूंकि अंग्रेजी सरकार को ये उम्मीद थी कि युद्ध जो है अब ख़त्म हो जाएगा अ, तो वैसी परिस्थिति में भारतीय राष्ट्रवाद से निपटने के लिए उनको एक विशेष प्रकार के कानून की जरूरत थी और इसी और इस तरह के कानून के लिए ही सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई थी इस कमिटी के द्वारा जो भी अनुशंसाएँ की गई जो भी सुझाव दिए गए उसी के आधार पर एक कानून का निर्माण किया गया और जिस कानून को रॉलेट एक्ट का नाम दिया गया है इस कानून के द्वारा भारतीय जनता के स्तन्त, राजनीतिक स्वतंत्रता के अधिकारों को नागरिक अधिकारों को छीनने का प्रयास किया गया यह कानून कहता था कि केवल शक के आधार पर किसी भी भारतीय को गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसको दो वर्षों के लिए जेल में बंद रखा जा सकता है सर सिडनी रॉलेट की जो अनुसंसाएँ थीं उसमें विशेष प्रकार के न्यायालयों की व्यवस्था की बात थी और इस इन मामलों में अपील नहीं की जा सकती थी तो इस तरह से ये कानून जो था ये भारतीय जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों का गला घोटने वाला कानून था और इसके पीछे अंग्रेजी सरकार का एक और भी मकसद था अंग्रेजी सरकार जो थी चूँकि भारतीय राजनीति में गांधी की सक्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी गांधी से पहले तीन स्थानीय आंदोलनों का नेतृत्व कर चुके थे तो ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजी सरकार आंदोलनों से डरी हुई भी थी और फिर गांधी का जो दक्षिण अफ्रीका में जो भी गांधी का जो कार्यकलाप रहा है उससे अंग्रेजी सरकार काफ़ी डरी हुई थी और उसको इस बात की पूरी उम्मीद भी थी कि प्रथम युद्ध के बाद अगर भारतीयों की मांगें नहीं मानी जाएगी तो भारतीय जो हैं आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेंगे तो ऐसी परिस्थिति में राजनीतिक कार्यकर्ताओं को एक्टिव होने से पहले सक्रिय होने से पहले ही आ, आ, उनको जेलों में डाल देने का इस कानून के द्वारा उपाय किया गया था और जैसे ही इस कानून के बनाए जाने की खबर भारतीयों को लगी यद्यपि इस बात को समझने की आवश्यकता है कि भारतीय जो थे इस कानून का विरोध कर रहे थे केंद्रीय विधायिका में सभी भारतीय सदस्यों ने एक मत से इस कानून का विरोध किया था लेकिन अंग्रेजी सरकार ने बड़ी ही जल्दबाजी में इस कानून को पारित कराया इससे भारतीयों का शक और भी बढ़ा था और भारतीय जो लोग थे वो समझते थे कि इस कानून का विरोध किया जाना बिल्कुल उचित है और महात्मा गांधी को भी एक मुद्दे की तलाश थी और रॉल एक्ट ने महात्मा गांधी को एक एक ऐसा मुद्दा दिया जिस मुद्दे को लेकर के वो अखिल भारतीय आंदोलन शुरू कर सकते थे गांधी जी ने देश की जनता का आह्वान किया कि इस आंदोलन के खिलाफ सॉरी इस कानून के खिलाफ आंदोलन चलाया जाए और गांधी ने जनता को बताया कि इसके लिए जो तरीका अपनाया जाएगा वो सत्याग्रह का तरीका होगा जहाँ तक सत्याग्रह का सवाल है तो गांधी जी का ये सत्याग्रह जो है ये उनके दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का सार है ये दक्षिण अफ्रीका के अनुभवों का परिणाम है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने सत्याग्रह सत्याग्रह रूपी अस्त्र का बखूबी इस्तेमाल किया था और वहाँ की जनता को सत्याग्रह के राह पर चल करके है ना काफ़ी सफलता भी दिलवाई थी तो गांधी ने उसी सत्याग्रह को भारत में अप्लाई करने का निश्चय किया ये गांधी का जो सत्याग्रह है सत्याग्रह का जो गांधी का तरीका है वो ये है कि इसके माध्यम से गांधी सार्वजनिक हड़ताल आ, करना सार्वजनिक हड़ताल करना सभाओं का आयोजन करना उपवास रखना है ना ये सब गांधी के तरीके थे करो की अदायगी का भी इसमें आ, मामला था मतलब सभी अवज्ञा भी इसमें शामिल था सत्याग्रह में तो इस तरह से गांधी ने भारत की जनता का आह्वान किया कि रॉयल एक्ट एक्ट के खिलाफ है ना सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया जाए और गांधी ने ये निश्चय किया कि सत्याग्रह का जो आरंभ होगा वो 6 अप्रैल 1919 को होगा मतलब कि रॉइलेक्टेक के खिलाफ जो आंदोलन विधिवत जो आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया गया वो 6 अप्रैल था 6 अप्रैल 1919 का दिन था लेकिन आ, कुछ गलतफहमी के कारण 30 मार्च को भी कई शहरों में हड़तालों का आयोजन हुआ और इस क्रम में दिल्ली में बंबई में कलकत्ता में अहमदाबाद में आ, कई हिंसक घटनाएं घटी आ, और लेकिन छः अप्रैल का जो हड़ताल रहा वो लगभग शांतिपूर्ण था आ, तो इस तरह से गांधी ने आ, इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की तो सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट को आप बेहतर तरीके से समझ लें कि सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई अंग्रेजी सरकार ने और इरादा क्या था उनका वो एक ऐसे कानून का निर्माण करना चाहते थे जिस कानून के आधार पर आगामी आंदोलनों को वो आसानी से रोक सके है ना आंदोलनों से चूंकि वो डरे हुए थे उनको इस, इस बात का भय था कि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा आ, वैसे ही भारतीय जनता जो है वो चुप बैठने वाली नहीं है वो आंदोलन का रास्ता अख्तियार करेगी तो आंदोलनों में भारतीय जनता के शामिल होने से रोकने के लिए इस तरह के कानून आ, को लाए जाने की बात अंग्रेजी सरकार के द्वारा की गई थी और आपने देखा भी इस कानून में कि साहब बिल्कुल केवल शक के आधार पर तो, मतलब किसी भी कार्यकर्ता को आ, अगर कांग्रेसी कार्यकर्ता या कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस का नेता अगर ऐसा कोई इरादा करता कि उसको अंग्रेज सरकार का विरोध करना है कोई आंदोलन खड़ा करना है तो उससे पहले ही क्या करो कि उसको गिरफ्तार कर लो और दो वर्षों के लिए उसको जेल में बंद कर दो तो इस तरह से आ, इस आंदोलन का विरोध किया जाना बिल्कुल उचित था और गांधी के नेतृत्व में रॉयल एक्ट एक्ट के खिलाफ है ना एक अखिल भारतीय देशव्यापी आंदोलन गांधी ने शुरू किया और इस आंदोलन को शुरू करने की जो तारीख तय की गांधी ने वो छः अप्रैल उन्नीस uh, उन्नीस का दिन था वो और छः अप्रैल को पूरे देश में बड़े बड़े शहरों में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया और इस तरह से रॉलेट एक्ट के विरोध का आंदोलन शुरू हुआ इसी बीच में पंजाब का जो प्रांत है पंजाब का जो इलाका है तो पंजाब के इलाके में रॉलेट आंदोलन के खिलाफ थोड़ी ज़्यादा ही उग्रता देखी गई और इस उग्रता के कुछ ठोस कारण भी थे पहली बात तो यह है कि पंजाब में प्रथम युद्ध के दौर में पंजाब की जो प्रांतीय सरकार थी उसके द्वारा जिस तरह का व्यवहार भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ किया जा रहा था इससे भारत के लोग जो थे और खासकर के पंजाब की जनता जो थी वो काफ़ी नाराज थी और वो इस तरह के शासन व्यवस्था से मुक्ति पाना चाहती थी इसके अलावा गदर आंदोलन का भी पंजाब पर काफ़ी ज़बरदस्त प्रभाव था तो गदर आंदोलनकारियों के साथ अंग्रेज सरकार का जो बर्ताव हुआ था इसके अलावा कामागाटा मारू कांड भी हुआ था इसके अलावा पंजाब से जबरन सैनिकों की भर्तियां की गई थी इसके अलावा बहुत सारे सैनिक जो पंजाब से युद्ध में लड़े थे जब वो अपने गाँव में लौटे युद्ध के बाद एक तो बड़ी संख्या में लोग युद्ध के मैदान में मारे भी गए और जो लोग बाक़ी जो जो बचे हुए लोग थे जब लौटे अपने गाँव में तो उन्होंने विदेशों के बारे में लोगों को किससे सुनाए इससे जनता पंजाब की जनता में जो कुछ चीज़ें पंजाब की जनता कुछ चीज़ों को समझने में सफल रही एक तो था कि अंग्रेजों की अजेयता का जो भ्रम था जो अब तक भारतीयों पर बना हुआ था ये भ्रम जो था वो टूट गया था आ, दूसरी बात थी कि पंजाब में पंजाब के जो प्रांतीय गवर्नर थे वो डायर उनका जो राष्ट्रवादियों के प्रति व्यवहार था तो यही तो इन इन्हीं सब कारणों से पंजाब के लोग लोग जो थे जैसे ही रॉलेक्ट कानून के खिलाफ गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया तो पंजाब के लोगों ने बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इस आंदोलन का समर्थन किया बड़े ही उत्साह से इस आंदोलन में हिस्सा लिया और वो गांधी का साथ देने को बिल्कुल तैयार थे और और इसी संदर्भ में पंजाब के अमृतसर शहर में दस अप्रैल को दो स्थानीय नेताओं के गिरफ्तारी के विरोध में ये दो जो स्थानीय नेता हैं उसमें एक जो है उनका नाम है डॉक्टर सैफुद्दीन किचुलू जो पंजाब के एक बड़े कांग्रेस कांग्रेसी नेता थे और दूसरे जो हैं उनका नाम है डॉक्टर सतपाल तो इन दोनों ही नेताओं की गिरफ्तारी होती है और इनको नज़रबंद किया जाता है और इसके विरोध में दस अप्रैल को अमृतसर के लोगों ने एक जुलूस निकाला था और इनकी मांग ये थी कि इनके दोनों ही लोकप्रिय नेताओं को रिहा किया जाए चूंकि उनका कोई अपराध नहीं है उनका उन्होंने कोई अपराध नहीं किया है और लेकिन इस जुलूस पर पुलिस के द्वारा उकसावापूर्ण कार्रवाई की गई लोगों पर लाठियां चलाई गई लोगों पर गोलियां चलाई गई कुछ लोग इन गोलियों के शिकार बने और इसका परिणाम हुआ कि जनता का गुस्सा जो था वो भड़क उठा और जनता ने आ, सरकारी भवनों को आ, पोस्ट ऑफिस को टेलीफोन की लाइनों को अपने आक्रोश का निशाना बनाया और कुछ यूरोपियनों पर भी इसी क्रम में हमले हुए और ऐसी परिस्थिति में पंजाब की सरकार ने अमृतसर में निषेधाज्ञा लागू की वहाँ जो नागरिक प्रशासन था उसको सैनिक अधिकारियों के जिम्मे कर दिया गया वहाँ सैनिक शासन लागू करने की घोषणा की गई जनरल डायर को अमृतसर के प्रशासन का जिम्मा सौंप दिया गया और जनरल डायर ने 12 अप्रैल को अमृतसर शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी धारा एक लागू कर दिया गया किसी भी तरह के जुलूस और सभा को प्रतिबंधित किया गया तो ऐसी परिस्थिति में तेरह अप्रैल को एक बड़ी ही दर्दनाक घटना घटी तेरह अप्रैल को अमृतसर शहर के बीचों बीच एक मैदान है जिसको जलियावाला बाग का मैदान कहते हैं तो इसी मैदान में और ये मैदान जो था ये तीन ओर से घिरा हुआ था और इसके और इस मैदान से जो बाहर निकलने का रास्ता था वो बड़ा ही संकुचित था और यहाँ एक बड़े सभा का आयोजन किया गया था एक्चुअली तेरह अप्रैल का दिन जो था वो बैसाखी का दिन था और ये सिखों का प्रमुख त्यौहार भी है बड़ी संख्या में सिख श्रद्धालु जो थे वो स्वर्ण मंदिर का दर्शन करने आए थे उन्होंने मत्था टेका था वो बैसाखी के मेले में हिस्सा लेने आए हुए लोग थे और जब ये लौट रहे थे अपने गांव की ओर लौट रहे थे उसी क्रम में ये जलियावाला बाग़ में कुछ क्षण ठहर गए कुछ समय बिता रहे थे कुछ समय को बिताने के दौरान ही पंजाब के अमृतसर के राष्ट्रवादियों ने एक सभा का आयोजन किया था और वो सभा जो थी वो भी दोनों नेताओं के रिहाई के लिए ही उस सभा का आयोजन किया गया था और कहा जाता है कि लगभग बीस हज़ार लोग जो थे इस सभा में इकट्ठा थे यहाँ इस बात को आप समझिए कि सारे के सारे जो लोग इकट्ठा हुए थे इस सभा में सब के सब राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं थे है ना और उसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं था इस सभा में जो लोग शामिल हुए थे उसमें औरतें भी थी औरतें भी थीं बच्चे भी थे बूढ़े भी थे और वो सब के सब एक तरह से दर्शक के रूप में उस सभा में शामिल हो गए थे जैसे ही जनरल डायर को इस सभा के आयोजन की सूचना मिली वो अपने सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँचा बिना किसी पूर्व चेतावनी के उसने सिपाहियों को गोली चलाने का आदेश दिया और इसका परिणाम हुआ कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए सरकारी जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि तीन सौ उनासी लोग मारे गए और एक हज़ार लोग घायल हुए लेकिन जो गैर सरकारी आंकड़ा है या कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो घटना की जांच कराई गई और प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा जो आ, के द्वारा जो आंकड़े बताए गए जो खबरें बताई गई उससे पता ये चलता है कि लगभग एक लोग मारे गए थे और तीन से ज़्यादा लोग घायल हुए थे इस घटना में और जैसे ही इस घटना की खबर पूरे देश में फैली तो पूरे देश की जनता इस घटना से स्तब्ध हो गई आ, और तेरह तारीख को जलियावाला बाग का जो कांड है उसके बाद भी पंजाब की सरकार ने है ना लोगों का दमन करना बंद नहीं किया बल्कि तेरह तारीख से लेकर के अठारह तारीख तक आ, पंजाब के कई शहरों में न सिर्फ़ अमृतसर में बल्कि पंजाब के कई शहरों में Uh, सरकार के द्वारा काफ़ी दमनकारी कदम उठाए गए थे uh, लोगों को uh, बहुत प्रताड़ित किया गया और कोई भी uh, जो सभ्य सरकार है इस तरह का व्यवहार अपने नागरिकों के साथ नहीं कर सकती तो uh, ये सारी घटनाएं जब uh, बाहर निकली जब दूसरे प्रांतों के लोगों को लोगों तक पहुंची, तो लोग काफ़ी दुखी हुए आ, लोगों के मनों में लोगों के मन में काफ़ी आक्रोश था और लोगों ने अंग्रेजी सरकार पर दबाव बनाया कि इस घटना की निष्पक्षता से जांच होनी चाहिए तो इस तरह आपने देखा कि रॉलेक्ट एक्ट के दौरान ही जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ तो आ, आप यहाँ एक चीज़ को गौर करेंगे कि इतिहास में कोई भी घटना सुनने में नहीं होती है और आ, आ, सभी घटनाएँ जो हैं आपस में अंतर्गुंथित होती है आपस में जुड़ी हुई होती है आपने देखा कि प्रथम विशुद्ध का प्रभाव और प्रथम विश्व के प्रथम विशुद्ध का प्रभाव जो है तो आप तो हमने आपको बतलाया था कि प्रथम विशुद्ध ने भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को जगा दिया था बढ़ा दिया था और जिसका परिणाम था कि लोगों की अपेक्षाएं जो थी वो सरकार से बढ़ी हुई थी सरकार को भी इस बात का पूरा का पूरा अंदाजा था लेकिन सरकार जो है जनता की मांगों को मानना नहीं चाहती थी इसलिए सरकार जो है युद्ध खत्म होने के पहले ही रॉलेक्ट एक्ट के लिए सरकार ने कार्य करना शुरू कर दिया और रॉलेक्ट एक्ट का निर्माण करा, कराया कराया सरकार ने जिससे कि वो लोकतांत्रिक आंदोलनों को दबा सके और इसी क्रम में जलियावाला बाग हत्याकांड हुआ और जलियावाला बाग हत्याकांड की जांच की जब मांग की गई तो सरकार के द्वारा हंटर कमिटी का गठन किया गया एक हंटर आयोग का गठन एक हंटर आयोग का गठन किया गया था आ, और Uh, सरकार ने uh, सरकार पर इस घटना के निष्पक्षता से जांच का दबाव था और हंटर कमेटी uh, की जो रिपोर्ट आई हंटर कमेटी की रिपोर्ट uh, अप्रैल 1920 में आई थी तो uh, हंटर कमेटी ने uh, पूरी घटना की जांच की uh, उसने uh, उसने माना कि साहब डायर के द्वारा uh, थोड़ी गलतियां हुई है उसने कहा कि साहब डायर साहब जो हैं कर्तव्य से सत्यनिष्ठ हैं लेकिन उनके द्वारा जो एक्शन लिया गया ये गलत धारणाओं पर गलत धारणाओं पर आधारित था हंटर साहब ने भी सॉरी जनरल डायर ने हंटर कमिटी के सामने जो गवाही दी थी उसमें उसने कहा था कि उसने इस घट घटना को सिर्फ इसलिए अंजाम दिया क्योंकि लोगों पर नैतिक प्रभाव स्थापित करना जरूरी था उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पंजाब की जनता के मन से अंग्रेजी शासन का भय जो था वो समाप्त हो गया था तो अंग्रेजी जनता सॉरी पंजाब की जनता के मन में अंग्रेजी शासन के भय को पुनः स्थापित करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया गया था इससे आप अंग्रेजी सरकार के इरादे को अंग्रेजी सरकार के अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारतीय जनता के बारे में जो सोचा जा रहा था इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं तो हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट आई तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट में जनरल डायर को बिल्कुल निर्दोष साबित किया गया हाँ उसको उसके पद से ज़रूर हटाया गया और सबसे बढ़कर के तो बात ये थी जो भारतीयों को काफ़ी परेशान कर रही थी कि इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के पक्ष को सही ठहराया गया वहाँ के सांसदों ने जनरल डायर को भारतीय साम्राज्य का शेर भारतीय साम्राज्य का संरक्षक कह करके संबोधित किया और वहाँ के अखबारों ने जनरल डायर के पक्ष में तीस हज़ार पौंड का एक कोष भी इकट्ठा किया था तो इस तरह से ये जो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है और हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद इंग्लैंड के संसद में जनरल डार के पक्ष में जिस तरह से बयान दिए गए थे इससे अंग्रेजी सरकार का जो चेहरा था भारतीयों के सामने बेनकाब हो गया था भारतीयों ने अब समझ लिया कि अंग्रेजी सरकार जो है ये भारतीयों को कोई अधिकार देने वाली नहीं है और इससे न्याय की उम्मीद करना जो है बिल्कुल बेकार है पांचवा कारण जो है सहयोग आंदोलन का है वह है मांडोड़ सुधारों की अपर्याप्तता मांडफोर्ड सुधार का मतलब है भारत शासन अधिनियम 1919 इसको मांडफोर्ड सुधार इसलिए भी कहा गया है क्योंकि इस कानून को बनाने में दो लोगों का अहम योगदान रहा है एक तो भारत सचिव मॉन्टेंग्यू का और दूसरे जो हैं उस समय के जो गवर्नर जनरल है उनका नाम है लॉर्ड चेम्सफोर्ड तो इन्हीं दो लोगों के द्वारा ये कानून बनाया गया था इसलिए इसको मांडफोर्ड सुधार भी कहा गया है भारत की जनता जो थी उन्नीस के सुधार कानूनों से काफ़ी उम्मीद पाल रखी थी उनको लगता था कि अंग्रेजी सरकार जो है अपने वादे को पूरा करेगी क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के ज़माने में अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की आ, मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का वादा किया था उनका कहना यह था कि युद्ध जो है असामान्य परिस्थिति है तो ऐसे ऐसे समय में तो भारत की जनता की मांगों को पूरा नहीं किया जा सकता लेकिन जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो भारतीयों की मांगों को पूरा किया जाएगा साथ ही उन्नीस की जो मॉन्टेम्यू की घोषणा है जिसमें मॉन्टिंगू ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि अंग्रेजी सरकार का उद्देश्य भारत में सुशासन की स्थापना करना है तो भारतीय उम्मीद कर रहे थे कि भारत की जनता को है ना और भी ज़्यादा अधिकार दिए जाएंगे भारत जो लेकिन ऐसा हो नहीं सका मांडफोड़ सुधारों में आपने देखा कि यहाँ केंद्र की सरकार में तो भारत के लोगों को कोई जिम्मेदारी दी ही नहीं गई और रहा सवाल प्रांतीय सरकारों का तो प्रांतीय सरकारों में भी द्वैध शासन की व्यवस्था की गई यहाँ द्वैध शासन का मतलब था कि जो प्रांतीय सरकारों के जिम्मे जो विषय थे जिन विषयों का प्रांतीय सरकारों को प्रशासन करना था उन विषयों को दो हिस्सों में बांट दिया गया था वित्त जैसा महत्वपूर्ण विभाग कानून और व्यवस्था जैसा विभाग जो था ये गवर्नर के हाथों में था और इन विषयों का प्रशासन वो अपने कार्यकारिणी के मदद से करता था वहीं दूसरी ओर जो कम महत्व के विषय थे और जिन विषयों से भारतीय जनता का सीधा सरोकार था वैसे विषयों की जिम्मेवारी भारतीय मंत्रियों को सौंपी गई थी लेकिन यहाँ भी दिक्कत यह है कि भारतीय मंत्रियों को बिल्कुल उनके विभागों के कार्य संचालन के लिए आज़ाद नहीं रखा गया था और गवर्नर को बीटो पावर दिया गया था इस तरह से अगर कोई भारतीय मंत्री भारत की जनता के लिए कोई ज़्यादा अच्छा काम करना भी चाहता तो अंग्रेजी सरकार उसे कामों को होने नहीं देती तो इस तरह से मांडफोड़ सुधार जो थे ये अपर्याप्त थे और इसने भी जनता को निराश किया तो इस तरह से आपने देखा कि प्रथम विशुद्ध का प्रभाव रॉयल एक्ट एक्ट जलियावाला बाग हत्याकांड हंटर कमेटी की रिपोर्ट मांडफोड़ सुधारों की अपर्याप्तता है ना अब तक हमने इनके बारे में जाना है और सबसे जो अहम प्रश्न है और जो सबसे अहम कारण है जिसके चलते गांधी जी असहयोग को शुरू करते हैं वो है खिलाफत का प्रश्न ये खिलाफत का मामला जो है ये भारत के मुसलमानों से जुड़ा हुआ मामला है यहाँ सबसे पहले तो खिलाफत शब्द को थोड़ा स्पष्ट किया जाए खिलाफत शब्द जो है वो खलीफा से बना है एक्चुअली तुर्की का जो सुल्तान है सुल्तान था वो पूरे मुस्लिम जगत का आध्यात्मिक प्रधान भी था मतलब कि पूरी दुनिया के मुसलमानों का धर्मगुरु था वो और स्वाभाविक बात है कि भारत के मुसलमानों की निष्ठा भी तुर्की के खलीफा के प्रति थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तुर्की जो था वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ लड़ रहा था तो वैसी स्थिति में भारत के जो मुसलमान थे उनके मन में एक स्वाभाविक सा प्रश्न था और उन्होंने अंग्रेज़ों से ये सवाल किया था क्योंकि अंग्रेजी सरकार मुसलमानों का भी युद्ध में सहयोग चाहती थी समर्थन चाहती थी इसलिए Uh, उस समय भारत के मुसलमानों ने अंग्रेजी uh, सरकार से सवाल किया था कि अगर तुर्की का सुल्तान युद्ध में हार जाता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाएगा कैसा व्यवहार किया जाएगा और इस सवाल का जवाब इंग्लैंड के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज ने दिया था उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि यह ठीक है कि तुर्की हमारे खिलाफ लड़ रहा है लेकिन अगर तुर्की युद्ध में हार भी जाता है तब भी तुर्की एक खलीफा के साथ बिल्कुल बेहतर बर्ताव किया जाएगा उनके मान सम्मान की रक्षा की जाएगी उनके साम्राज्य को अक्षुण रखा जाएगा तो इस तरह के वादे जो थे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए थे और यही कारण था कि भारतीय मुसलमानों ने भी प्रथम युद्ध में अंग्रेजों का भरपूर समर्थन किया था लेकिन युद्ध के बाद ये खबरें आ रही थी कि तुर्की के सुल्तान के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाएगा उनके साम्राज्य को उनके साम्राज्य का अंग भंग कर दिया जाएगा उनके साम्राज्य का विखंडन कर दिया जाएगा तो ये सारी खबरें भारत के मुस्लिम समुदाय को भारत के मुस्लिम नेताओं को प्रभावित कर रही थी और भारत के मुस्लिम नेताओं ने खास करके जो नौजवान जो मुस्लिम नेता थे भारत में जो राष्ट्रवादी धारा के मुस्लिम नेता थे जिनको उलेमाओं का भी समर्थन प्राप्त था ऐसे लोगों ने इस समस्या से निजात के लिए एक खिलाफत कमेटी की स्थापना की थी और इनकी मुख्य मांग ये थी कि खलीफा के मान सम्मान उसकी मान सम्मान और उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा की जाए दूसरी बात है कि जजीरतु अरब जजीरतुल अरब का मतलब है अरब सीरिया इसके अलावा आपको फिलिस्तीन का जो इलाका है जहां मुसलमानों के पवित्र धर्मस्थल सब हैं तो उनका नियंत्रण जो है खलीफा के हाथों में ही होना चाहिए जबकि उन्नीस की सब्र की, की संधि के द्वारा खलीफा को न सिर्फ अपमानित किया गया था बल्कि उसके साम्राज्य का बिल्कुल विच्छेदन कर दिया गया था और मित्र राष्ट्रों ने उसके साम्राज्य के एक बड़े हिस्से पर है ना अपने मैंडेट की स्थापना कर दी थी अपना शासन स्थापित कर दिया था तो इस तरह से भारत के मुसलमान जो थे काफ़ी आंदोलित थे काफ़ी उत्तेजित थे और वो चाहते थे कि खिलाफत के मामले का हल निकलना चाहिए और ऐसी ही परिस्थिति में महात्मा गांधी ने खिलाफत के नेताओं को सहयोग करने का निश्चय किया तो यहाँ एक सवाल यह है कि आखिर खिलाफत का सवाल जो था वो केवल मुस्लिम जनता से जुड़ा हुआ सवाल था ये धार्मिक प्रश्न था और क्या गांधी जी को इस तरह के सवाल को उठाना चाहिए था तो गांधी इसको गांधी खिलाफत के मामले को एक अवसर के रूप में देख रहे थे उनका मानना यह था कि अगर भारत की तेईस करोड़ हिंदू जनता अपने सात करोड़ मुसलमान भाइयों की सहायता के लिए आगे आती है उनके मुद्दे को अगर उठाती है उनके मुद्दे को लेकर के अगर आंदोलन शुरू करती है तो इससे हिंदू मुस्लिम एकता जो है वो मजबूत होगा और आगामी आंदोलनों में मुसलमानों का सहयोग भी मिल पाएगा इसलिए गांधी ने इस मुद्दे को काफ़ी प्रमुखता दी इस मुद्दे को काफ़ी अहम माना और गांधी ने यह तय किया कि, कि खिलाफत का मुद्दा जो है वो उठाया जाए और गांधी खिलाफत नेताओं के मित्र भी थे और 1919 उनीश में खिलाफत अखिल भारतीय खिलाफत कॉन्फ्रेंस का आयोजन गांधी जी के ही गांधी जी की अध्यक्षता में हुआ था और उस सम्मेलन में गांधी ने हिंदुओं से अपने मुसलमान भाइयों के सहयोग की वकालत की थी और गांधी ने कहा कि गांधी ने खिलाफत नेताओं को समझाया था कि असहयोग ही वो रास्ता है जो उनको इस सम जो मुसलमानों का जो ये मामला है तो इस मामले का निदान जो है असहयोग आंदोलन के द्वारा ही इसका समाधान निकल सकता है तो इस तरह से खिलाफत के मामले को लेकर के गांधी ने आंदोलन शुरू करने का निश्चय किया जून 1920 में खिलाफत वर्किंग जो खिलाफत की जो कमेटी थी उसकी एक बैठक इलाहाबाद में आयोजित की गई और इसमें गांधी जी ने मुस्लिम नेताओं को एक चार चरणों वाला असहयोग आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था ये जो चार चरणों वाला जो असहयोग आंदोलन है इसमें पदवियों का परित्याग सिविल सेवा का बहिष्कार इसके अलावा सैनिक और पुलिस सेवा का बहिष्कार और करों की नादायगी है ना इसको गांधी ने अपने आंदोलन का कार्यक्रम बताया था तो इस तरह आप देखते हैं कि गांधी धीरे धीरे भारत की जनता का आह्वान कर रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर के है ना वो भारत में क्या करे असहयोग आंदोलन शुरू करे यहाँ एक चीज़ और भी देखना है कि कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या है इन वर्षों में इन इन दिनों में कांग्रेस किस तरह से इन सारी घटनाओं को देख रही है और उसका रिएक्शन क्या है वो किस तरह से प्रतिक्रिया कर रही है तो मई उन्नीस में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक बैठक हुई थी और उन्होंने भी इस बात को महसूस किया था कि पंजाब की जो घटनाएं हैं और जिस तरह से पंजाब की घटनाओं के बाद अंग्रेजी सरकार का जो रवैया रहा है उससे कांग्रेस पार्टी के नेता जो थे काफ़ी हद तक का असंतुष्ट थे और उन लोगों को भी लग रहा था कि साहब चुपचाप बैठने से काम चलने वाला नहीं है और उनको भी असहयोग आंदोलन में भागीदारी करनी चाहिए साथ ही गांधी का भी दबाव था कांग्रेस पर क्योंकि गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी जो है इन मुद्दों को उठाए और कांग्रेस का संगठन और कांग्रेस के नेता जब तक तो गांधी का साथ नहीं देते तब तो तक तो गांधी पूरे देश के स्तर पर कोई अखिल भारतीय आंदोलन शुरू नहीं कर सकते थे इसलिए गांधी ने कांग्रेस पर भी दबाव बनाना शुरू किया और इसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक विशेष अधिवेशन का आयोजन किया जाएगा इसी सवाल को लेकर के इसी मुद्दे को लेकर के मतलब कि आगे की रणनीति क्या हो इस रणनीति को तैयार करने के लिए कांग्रेस पार्टी का एक विशेष अधिवेशन उन्नीस में कलकत्ता में आयोजित किया गया था इस सम्मेलन की अध्यक्षता लाल लाजपत राय साहब कर रहे थे और इस सम्मेलन में गांधी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा गांधी ने तीन मुद्दों पर जोर दिया था गांधी ने कहा कि पहला मामला तो है पंजाब का मामला जिसमें जलियावाला बाग हत्याकांड और फिर पंजाब में बाकी शहरों में जो उपद्रव हुए जिस तरह से लोगों पर अत्याचार हुआ तो ये बड़ा ही अहम मामला था तो गांधी ने कहा कि साहब पंजाब का मामला खिलाफत का मुद्दा और स्वराज्य की मांग गांधी ने ये तीन बातों को रखा और कहा कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के कांग्रेस पार्टी जो है वो असहयोग आंदोलन करेगी गांधी का ये प्रस्ताव था यद्यपि कांग्रेस के कुछ पुराने नेताओं ने गांधी के इस प्रस्ताव का विरोध किया और उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को संवैधानिक मार्गों को ही अपनाना चाहिए और इस तरह के जन आंदोलन को करने से वो डरते थे क्योंकि उनको जन आंदोलनों का कोई अनुभव नहीं था अभी तक जो कांग्रेस पार्टी के नेता थे तो उनको जन आंदोलन का कोई अनुभव नहीं था जनता की लामबंदी जनता को सड़कों पर लाने का उनका कोई पूर्व का अनुभव नहीं था इसलिए इस तरह के आंदोलन से वो डरते थे लेकिन गांधी का पक्ष यहाँ मजबूत था और गांधी एक नेता के रूप में भारत में लगभग स्थापित हो चुके थे एक तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी को जो सफलता मिली थी इससे गांधी आ, की भारत की जनता में काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी हुई थी और गांधी को भारत के लोग एक त्राता के रूप में देख रहे थे लोगों का भरोसा गांधी पर काफ़ी ज़्यादा था गांधी से लोगों की अपेक्षाएँ काफ़ी बढ़ी हुई थी तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी के नेता भी गांधी का विरोध नहीं कर सकते थे एक संगठनकर्ता के रूप में आ, गांधी ने अपने आप को साबित कर दिया था और लोगों और जिस तरह से गांधी को भारत में समर्थन मिल रहा था उससे कांग्रेस पार्टी के नेता भी थोड़े डिमोरलाइज थे और उन्होंने गांधी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस तरह से ये आंदोलन जो है वो शुरू हुआ गांधी ने एक अगस्त का दिन असहयोग आंदोलन के शुरू करने का दिन रखा था लेकिन उस दिन बाल गाधर तिलक जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के एक बड़े नेता थे उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से असहयोग आंदोलन का आरंभ जो था एक तरफ शोक और दूसरी ओर आंदोलन का आरंभ दोनों एक ही दिन हुआ लोगों ने उस दिन सार्वजनिक हड़ताल रखी प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया काफ़ी लोगों ने उपवास भी रखा और इस तरह से एक तरह से असहयोग आंदोलन जो था एक अगस्त को शुरू हुआ फिर ए, 1920 के दिसंबर में कांग्रेस का वार्षिक का अधिवेशन आपको अहमद नागपुर में हुआ और नागपुर कांग्रेस के अध्यक्षता सी विजय राघवाचारी ने की यहाँ असहयोग का प्रस्ताव जो है वो बीसी राय साहब के द्वारा रखा गया था और ये प्रस्ताव जो था काफ़ी लंबा चौड़ा प्रस्ताव था इस प्रस्ताव में असहयोग के जो असहयोग आंदोलन के जो कार्यक्रम थे चूँकि जनता को कार्यक्रमों को बताना बहुत ज़रूरी है और आंदोलनों में सबसे अहम होता है कि आंदोलन शुरू कैसे किया जाता है तो गांधी ने सबसे पहले लोगों को कहा कि साहब सबसे पहले जो भारतीय जनता को करना है वो क्या करना है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो भी सम्मानजनक उपाधियाँ पदवियाँ वगैरह दी ग, दी गई हैं उनको लौटाया जाए वस्तुतः ये सम्मानजनक उपाधियाँ और पदवियाँ वैसे लोगों को अंग्रेज सरकार के द्वारा दिया जाता था जो अंग्रेजी सरकार के बिल्कुल समर्थक थे और गांधी ने कहा कि सबसे पहले आप क्या करें अपने पदवियों को लौटाएँ जिससे कि अंग्रेजी सरकार को ये एहसास असा, हो सके कि अब भारतीय जो है आपके सहयोगी नहीं हैं है ना अब पहले जो आप इन लोगों का सहयोग और समर्थन बिल्कुल गारंटी मानते थे तो अब भारतीय जो हैं आपको सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हैं तो इस तरह से गांधी ने सबसे पहले तो अपने कसर हिंद उपाधि का परित्याग किया और गांधी के ही राह पर चलते हुए बहुत सारे जो कांग्रेस के बड़े नेता थे उन्होंने अपने राय बहादुर खान बहादुर नाइट सर की उपाधियों का परित्याग किया तो इस तरह से यह आंदोलन शुरू हुआ और आ, 1920 के नागपुर अधिवेशन में जनता के सामने जो असहयोग के कार्यक्रम रखे गए तो ये जो कार्यक्रम थे इस इन कार्यक्रमों को आप गौर से देखें दोनों ही तरह के कार्यक्रम हैं गांधी ने लोगों को कहा कि उपाधियों सम्मानजनक पदवियों का परित्याग किया जाए सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार हो अदालतों का बहिष्कार किया जाए विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए सरकारी नौकरियों का परित्याग किया जाए और करों की ना आ तो इन इस तरह के कार्यक्रम जो है गांधी के है ना तो गांधी ने कहा कि साहब है ना सरकारी शिक्षण ये उपाधियों सम्माजनक पदवियों का परित्याग दूसरा है सरकारी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार गांधी ने छात्रों से अपील की कि आप सरकारी शिक्षण संस्थानों से है ना आप बाहर आएँ और अपने जीवन का एक साल है ना राष्ट्रीय आंदोलन को दें गांधी ने ये दावा भी किया था गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के पहले लोगों को कहा था कि अगर आप इन कार्यक्रमों पर चलेंगे तो एक साल में आपको आज़ादी मिल जाएगी तो इस तरह से सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार गांधी ने अदालतों के बहिष्कार की बात कही गांधी ने कहा कि ये अदालतें जो हैं ये भारतीय जनता के शोषण का जरिया है है ना विदेशी वस्त्रों एवं वस्तुओं का बहिष्कार सरकारी नौकरियों का परित्याग और करों की ना अदायगी तो इस तरह से गांधी का ये नकारात्मक कार्यक्रम है नकारात्मक कार्यक्रम इसलिए कहा जाता है क्योंकि गांधी ने इन कार्यक्रमों के द्वारा विदेशी सरकार के ख़िलाफ़ है ना बहिष्कार की बात कही उनके संस्थाओं की बहिष्कार की बात कही विदेशी सरकार के अर्थतंत्र पर भी गांधी ने चोट पहुंचाने का प्रयास किया सरकारी नौकरियों के परित्याग का मतलब था कि भारत में अंग्रेजी सरकार जो थी आ, वो भारतीयों के सहयोग से टिकी हुई थी अगर भारतीय अंग्रेजी सरकार को सहयोग नहीं देते तो इस सरकार का चलना मुश्किल था जितने भी छोटे मोटे पद थे उन सभी पदों पर भारतीय ही नियुक्त किए जाते थे और महज अस्सी हज़ार अंग्रेजों के बल पर भारत में अंग्रेजी सरकार चलाया जा रहा था तो ये सरकार भारतीयों के सहयोग से चलने वाला सरकार था अगर भारतीय सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे देते सेना और पुलिस से अगर ये इस्तीफा दे देते तो अंग्रेजी सरकार का चलना भारत में मुश्किल हो जाता इसके अलावा गांधी ने करों की ना ना अदायगी की बात भी कही है मतलब कि अंग्रेजी सरकार को कर देना बंद कर देना है कर अंग्रेजी सरकार जो है भारतीय जनता के करों से ही चल चलती थी ऐसा नहीं था कि अंग्रेजी सरकार चलाने के लिए पैसा इंग्लैंड से ला रही थी तो करों की ना अदायगी दूसरी ओर गांधी ने कुछ सकारात्मक कार्यक्रम भी रखे जिसको रचनात्मक कार्यक्रम का भी नाम दिया गया है तो ऐसे कार्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना स्वाभाविक बात है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों से जो बच्चे निकलेंगे तो उनके पढ़ाई लिखाई के लिए राष्ट्रीय राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए और इस क्रम में भारत में कई राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना की गई थी जिसमें गुजरात विद्यापीठ जामिया मिलिया इस्लामिया बिहार विद्यापीठ काशी विद्यापीठ जैसी संस्थाओं की स्थापना की गई और इन शिक्षण संस्थानों में बच्चों को राष्ट्रीय शिक्षा दी जाती थी है ना इसके अलावा पंचायती अदालतों की स्थापना चूंकि यहाँ अदालतों के बहिष्कार का कार्यक्रम भी शामिल है कताई बुनाई को प्रोत्साहन मतलब कि खादी और चरखे पर गांधी का जोर था और ये आर्थिक स्वावलंबन का प्रतीक भी था फिर गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया है क्योंकि गांधी के लिए हिंदू मुस्लिम एकता जो था वो सबसे अहम था और हिंदू मुस्लिम एकता का जहाँ तक सवाल है तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में समाज के विभिन्न वर्गों का नेतृत्व तो किया था इसलिए और गांधी की सोच ये थी कि मुसलमान जो हैं भारतीय आबादी का एक बड़ा हिस्सा है जब तक मुसलमानों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक भारत में कोई भी आंदोलन जो है जोरदार नहीं हो सकता है और फिर छुआछूत को मिटाना भी ये भारत के समाज की एक बहुत बड़ी समस्या थी ये बहुत बड़ी कुरीति थी और गांधी की सोच ये थी कि आ, हमारी आबादी में लगभग एक चौथाई ऐसे लोग हैं जिनको जिनको अस्पृश्य आईस, माना जाता है उनके साथ छुआछूत का बर्ताव होता है तो आप ऐसा समझें कि अगर एक चौथाई एक चौथाई आबादी जो है उसको अगर आप राष्ट्रीय राजनीति के मुख्य धारा में शामिल नहीं करेंगे तो आपका आंदोलन कभी भी जोरदार नहीं हो सकता है इस तरह से गांधी ने अपने इन कार्यक्रमों को जनता के सामने रखा और यही असहयोग के कार्यक्रम थे गांधी का दावा था कि अगर जनता हाँ एक चीज़ और भी है जो यहाँ छूट रहा है वह है विधायिका का बहिष्कार विधायिका के बहिष्कार का मतलब है कि गांधी जी ने लोगों से कहा कि अभी जो उन्नीस के भारत शासन अधिनियम है उसके तहत जो चुनाव होने वाले हैं उस चुनाव में हिस्सा नहीं लेना है ना ही उम्मीदवार बनना है और ना ही मताधिकार का प्रयोग करना है तो इस तरह से गांधी ने भारत की जनता के सामने ये इन कार्यक्रमों को रखा और कहा कि अगर जनता पूरी ईमानदारी से इन कार्यक्रमों पर चले है ना इन कार्यक्रमों को अपनाए तो अंग्रेजी शासन की ज़रें हिल जाएंगी और अंग्रेजी सरकार जो है उसको भारत से जाना पड़ेगा इसके अलावा इसी नागपुर कांग्रेस में कांग्रेस के संगठन में बहुत बड़ा बदलाव किया गया चूँकि अब तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम होते थे और असहयोग आंदोलन शुरू होने पर चूंकि ये अनबरत चलने वाला आंदोलन था तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस में एक बदलाव जो था वो बड़ा ही आवश्यक हो गया था और कांग्रेस के इतिहास में आ, पहली बार कांग्रेस वर्किंग कमेटी का गठन किया गया ये पंद्रह सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी था और इसका काम था रोज बरोज के आंदोलनों को निर्देशित करना रोज़ बरोज के आंदोलनों का लेखा जोखा रखना और लोगों को निर्देशित करना तो कांग्रेस कार्य समिति का गठन किया गया इसके अलावा भाषा आधार पर प्रांतों में प्रांतीय समितियों का गठन किया गया प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया इतना ही नहीं इसके अलावा गाँव के स्तर पर भी गाँव और कस्बों के स्तर पर भी कांग्रेस समितियों का समितियों का गठन किया गया और कांग्रेस की दस्ता शुल्क को चार आना प्रतिवर्ष कर दिया गया जिससे कि गरीब से गरीब आदमी भी कांग्रेस का सदस्य बन सके तो इस तरह आपने देखा कि कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव लाया गया है इसके अलावा गांधी ने एक और भी बात कही है गांधी ने कहा कि हिंदी जो है वही संपर्क भाषा होगी तो इस तरह से गांधी ने हिंदी को महत्व प्रदान किया तो आप तो आप यहाँ देखते हैं कि यह आंदोलन जो है उसमें दोनों ही तरह के कार्यक्रम हैं और सकारात्मक कार्यक्रम जो गांधी के लाए गए हैं तो गांधी युग में मतलब 1920 के बाद जितने भी गांधी के आंदोलन हुए हैं भारत छोड़ो को अगर आप छोड़ दें क्योंकि भारत छोड़ो एक दूसरे ही माहौल में शुरू हुआ था लेकिन असहयोग आंदोलन के दौरान और फिर सबीना बग्ञा आंदोलन के दौरान भी गांधी रचनात्मक कार्यक्रमों पर काफ़ी जोर देते हैं गांधी ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो गाँव में जाएं, गाँव में जाएँ चूँकि असली भारत जो है वो गाँव में बसता है और इस रचनात्मक कार्यक्रम चलाने का काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ता था इससे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो थे वो जनता के सीधे संपर्क में आते थे और इससे कांग्रेस को जो जन समर्थन मिलना था वो जन समर्थन मिलता था इसके अलावा इन कार्यक्रमों से समाज के उन्नयन का कार्य भी हो रहा था हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना छुआछूत को मिटाना कताई बुनाई को प्रोत्साहन है पंचायती अदालतों की स्थापना है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना है तो ये सारे के सारे कार्यक्रम जो थे इसके द्वारा राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं की एक बड़ी जमात तैयार हुई जिनका गाँवों से संपर्क था जिनका लोगों से संपर्क था और इस तरह से कांग्रेस के जनाधार को बढ़ाने में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो इस तरह से आपने देखा कि असहयोग आंदोलन के बारे में आपसे जो अभी चर्चा हुई उसमें आपने जाना अब तक कि ये पहला बड़ा जन आंदोलन था इसने इसने कांग्रेस पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को बदल दिया गांधी जुग की शुरुआत भी हुई इससे इसके अलावा आपने यह भी देखा है कि असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे इसमें प्रथम विशुद्ध का प्रभाव रॉयल एक्ट एक्ट जलियावाला बाग हत्याकांड हंटर कमेटी की रिपोर्ट खिलाफत का मुद्दा ये सब अहम कारण थे जिसके चलते गांधी ने इस आंदोलन को शुरू किया था और फिर आपने देखा कि किस तरह से गांधी का दबाव और परिस्थितियों का ऐसा दबाव पड़ा कांग्रेस पर कि कांग्रेस पार्टी जो अब तक संवैधानिक मार्गों पर चलने चलने की ही हिमायती थी इसने गांधी के बताए रास्तों पर चलना स्वीकार किया कलकत्ता का विशेष अधिवेशन फिर नागपुर का अधिवेशन फिर कांग्रेस के कार्यक्रम और फिर कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य भी बदल गया जिसकी चर्चा हमने की है फिर असहयोग आंदोलन के अन्य पहलुओं की चर्चा अगले क्लास में की जाएगी धन्यवाद